अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनपुट डिवाइसेस। यू ऑल नो हम लोग इनपुट डिवाइसेस कर रहे थे, हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं प्रीवियस सेशन में। हम पहले कवर करेंगे अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद फर्दर हम लोग उनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम विद अदर इनपुट डिवाइसेस। हम लोग इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस, डेटा इनपुट डिवाइसेस कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे स्कैनर पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो आज हम उन्हीं की कैटेगरीज को पढ़ेंगे और वो हमारी रियल लाइफ में भी कौन सी जगह पर यूज़ होते हैं, कहाँ पर आपने वो देखे होंगे, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको एक बेल आइकन दिखेगा, आपको उसे भी प्रेस करना है सो दैट आपको हर लेक्चर का अपडेट या कुछ भी स्केड्यूलिंग में चेंज हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा स्कैनर्स का। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि स्कैनर्स क्या होते हैं। तो स्कैनर काम करता है एक हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करने का इंटू अ सॉफ्ट कॉपी। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये हार्ड कॉपी क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी क्या है। हम जब भी कोई पेपर देखते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ शीट, ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी प्रिंटेड होगा दैट विल बी द हार्ड कॉपी ऑफ द जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है या पेपर है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल आपको ये फाइल दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर डेटा दिख रहा है, ये पीपीटी दिख रहा है, अगर मैं इस यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये इसका सॉफ्ट कॉपी है, अगर मैं इसी का प्रिंट निकाल के आपको दिखा दूँ इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर शीट तो वो क्या हो जाएगा, इसका हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी का मतलब होता है टैंजिबल, जो टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये, समझ गए आप लोग। तो ये क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप लोगों की रियल लाइफ के बेसिस पे देते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली जेके पीएससी के एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन किया होगा, अगर जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करते हैं, खुद को रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको डेफिनेटली आपके क्या चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आपको आपका फ़ोटो चाहिए होता है, फ़ोटो आईडी चाहिए होता है, देन आपको आपका सिग्नेचर चाहिए होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे अपलोड करते हैं, अगर हम लोग अब तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से घर पे भी कर लेते हैं, वरना बहुत से स्टूडेंट्स बाहर कैफ़ेज़ में जाके करवाते हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं या उनका पिक्चर कैरी करते हैं जिसे हम लोग अपलोड करते हैं, राइट। हमारा फ़ोटो है, हमने उसका पिक्चर क्लिक किया, उसे अपलोड किया कहाँ पर, एज सॉफ्ट कॉपी हमने उसे कहाँ किया, अपलोड किया। तो वही होता है एक हार्ड कॉपी से डिजिटल कॉपी का कन्वर्जन। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कन्वर्जन का काम करता है एक हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में, या फिर एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। ठीक है, देयर आर ऑफ वेरियस टाइप्स, आगे हम लोग बहुत बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि स्कैनर्स किस किस तरह के होते हैं। वैसे स्कैनर्स की मेजर टाइप अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ द मेजर टाइप। पहले आते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड मतलब जिनको हम लोग हाथ पे होल्ड कर सकते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं, हम उन्हें कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर्स का क्या काम होता है, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं कि आप इसे अपनी बैग में अपने हाथ पे इजीली होल्ड कर सकते हैं। जो भी आपको स्कैनिंग करना है, आपको अपना डेटा रखना है अपने पास एज सॉफ्ट कॉपी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर्स, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो ज़ेरॉक्स कॉपी करने वाला मशीन होता है एकदम फ्लैट ऊपर से, बिल्कुल ये भी वैसा ही होता है। ये क्या काम करता है, आप इस पर अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट की, पेपर की कॉपी रखेंगे, ये उसे स्कैन करके सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके कंप्यूटर पे ले आएगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद होते हैं ड्रम स्कैनर्स। ड्रम स्कैनर्स जैसे इसका नाम बताता है, इसमें स्कैनिंग के लिए क्या होता है, एक ड्रम होता है जो ऐसे रोल करता है, सर्कुलर मोशन में रोल करता है, ड्रम होता है, और वो रोल करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट पेपर है, हार्ड कॉपी है, उसका स्कैनिंग करता है और उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बेसिस पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा फैक्स मशीन, ठीक है, ऐसे रोल करके पेपर निकलता है, वो रोलर की तरह चलता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करता है। क्लियर हो गया, तो ये है स्कैनर्स। क्वेश्चन क्या आएगा इसके बेसिस पे, यही क्वेश्चन कि इस फॉर्म से जो हार्ड कॉपी का फॉर्म है उसे डिजिटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो वो स्कैनर्स करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे और बहुत सारे
कैटेगरीज या फिर इनपुट डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं, स्कैनिंग का ही काम करते हैं। पहला है हमारे पास जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MICR, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछा जाता है। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कि MICR का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है बैंक्स में। कैसे, आप लोगों ने चेक देखा होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है चेक। अब एक चेक पे एक कोड होता है, ठीक है, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक से लिखा गया होता है। जो इंक कौन सी होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक, ठीक है। किससे लिखा होता है, जो एक चेक का यूनिक कोड होता है वो एक मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंक। और उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस चेक नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल तरह के स्कैनर, एक स्पेशल तरह के रीडर का यूज़ होता है, एक डिवाइस का यूज़ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अब ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसे रीड करता है, मैग्नेटिक इंक को। और ये मैग्नेटिक इंक कहाँ यूज़ होती है, चेक में यूज़ होती है, चेक के नंबर पे, जो उसका नंबर होता है यूनिक। क्लियर हो गया, तो दिस इज़ ऑल अबाउट MICR, इतना याद कर लो काफ़ी है। नेक्स्ट आता है OMR, आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग अगर कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना हो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही हमारा टेस्ट हो, लेकिन वो शीट पर हो, आपको कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, शीट पर है, तो अक्सर आप लोगों को एक शीट दिया जाता है। आप लोगों को अगर ये विजिबल है तो कुछ इस तरीके का शीट होता है, चार कॉलम्स होते हैं, चार लाइक सर्कल्स होते हैं, जिन्हें आपको करेक्ट वन में ABCD में से जो भी करेक्ट होता है उसे आपको मार्क करना होता है, राइट, उसे फिल करना होता है सर्कल को, जिसे हम OMR शीट भी बोलते हैं। अब उसे OMR शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल मार्क्स, जो मार्क्स आपको फिल करने होते हैं वो ऑप्टिकल मार्क्स होते हैं, समझ गए। OMR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कई बार हमारे पास ऑप्शन में ये रिकॉग्निशन नहीं होता, हमारे पास ऑप्शन में रीडर होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट फुल फॉर्म, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलो या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बोलो, दोनों ही सही हैं। क्लियर हो गया, किसके लिए यूज़ होता है, जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपकी OMR शीट्स का यूज़ होता है, जहाँ पर अपने आंसर्स मार्क करते हैं, और आपके मार्क्स की इवैल्यूएशन, आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन ऑब्वियसली हमें इसी शीट के अकॉर्डिंग करना है। तो जो मार्क्स आपने फिल किए होते हैं उन मार्क्स को रीड कौन करता है, रिकॉग्नाइज कौन करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस जिसे हम लोग OMR कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, कहाँ यूज़ होता है ये आपको पता चल गया, इसका यूज़ कहाँ होता है ये भी आपको पता चल गया। अब आ जाएंगे अदर इनपुट डिवाइसेस पे, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में इनके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन होता ही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OCR बोलते हैं। ये फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब वहाँ पर मार्क रीडर था, वो मार्क्स को रीड करता था, यहाँ पे है कैरेक्टर रीडर, तो ये किसे रीड करता है, कैरेक्टर्स को, इन शॉर्ट टेक्स्ट को रीड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, नाउ आई वॉन्ट कि ये जो मैंने लिखा है, या अपनी नोटबुक पे, अपनी डायरी पे, या किसी भी बुक पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इस डिजिटल फॉर्म में आ जाए। जैसे ये PPT बना है, यहाँ पर ये डिजिटल फॉर्म में ही है सारा टेक्स्ट, है ना, जो टाइप करके बनाया गया है, तो मैं चाहती हूँ जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं या हैंड रिटन है वो मैं इस फॉर्म में, इस तरह के कैरेक्टर्स में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, तो उसके लिए मैं एक स्कैनर का यूज़ करूँगी, जिससे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को या जो भी मेरी बुक है, जो भी डेटा है, टेक्स्ट है, उसे स्कैन करके मैं डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगी, और वो क्या होगा, OCR। तो ये क्या करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं हैंड रिटन टेक्स्ट को, या फिर टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कहीं से भी, किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये डिवाइस है, ठीक है, एक मशीन होता है कुछ इस तरीके का, वेरियस साइजेस, वेरियस शेप्स में आता है मार्केट में, तो इस तरह का मशीन होता है जिससे आप लोग उसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, अपने ऐप स्टोर पर जाइए,
वहाँ पर बहुत सारी ऐप्स आपको मिलेंगी OCR स्कैनर के नाम से, ठीक है। हमारे मोबाइल में भी आज ये स्कैनर आ चुके हैं जहाँ से हम ये सारे टास्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उस स्कैनर से स्कैन करना होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट आते हैं बारकोड रीडर्स। नाउ बारकोड रीडर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, BCR, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है BCR का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है बारकोड रीडर्स। अब इसका भी एग्जांपल के साथ मैं आपको यूज़ बताऊंगी। आप लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग शॉप्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब आप उसका बिलिंग करवाते हैं तो दे हैव अ डिवाइस, दिस गन लाइक डिवाइस होता है, देखा होगा, जिससे वो उस प्रोडक्ट को या जो भी वो आइटम है उसे स्कैन करते हैं और उसका जो प्राइस है, जो उसका प्राइस वैल्यू है, वो उनके कंप्यूटर पे आ जाता है। ऐसा होता है ना? ऐसा तो नहीं है जब आपने बहुत सारी शॉपिंग की, आप मार्केट किसी सुपरमार्केट में गए, आपने शॉपिंग की, आपने 50 चीज़ें खरीदी, तो हर एक का जो बिल है, जो हर एक का प्राइस वैल्यू है, वो बार बार अपने कंप्यूटर पे एंटर कर रहे हैं, राइट डाउन करके उसका टोटल बना के आपको दे रहे हैं, ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसा नहीं होता, आप जाते हैं, दे हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, उनके पास कुछ ऐसा डिवाइस होता है, वो एक एक आइटम को स्कैन करते हैं, जिससे क्या होता है उसका प्राइस वैल्यू उनके कंप्यूटर में आ जाता है एंड दे मेक अ टोटल ऑफ इट और आपको आपका बिल देते हैं, होता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर्स। ये किसे रीड करता है, बार्स को रीड करता है। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके जो रैपर होता है, आप उस पर देखना, इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट बार्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के बार्स होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे। इन बार्स में क्या होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या होता है, उस आइटम का प्राइस वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या स्टोर होता है, उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस वैल्यू, और इसे स्कैन करके हमें उसका प्राइस वैल्यू पता चल जाता है कि वो कितने का है, ठीक है। और इसे स्कैन करने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर्स। ये किस कहाँ यूज़ होता है, सुपरमार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, जहाँ पर भी बिलिंग करने की ज़रूरत होती है, डिफरेंट आइटम्स आप खरीदते हैं उनकी बिलिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये अक्सर यूज़ किए जाते हैं ताकि टाइम सेव हो सके, एक एक आइटम को टोटल हमें ना करना पड़े। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये आप लोगों ने इस तरीके का कोड तो अक्सर देखा होगा, QR कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, क्या फुल फॉर्म है इसका, क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR मीन्स क्विक रिस्पॉन्स, क्लियर। अब इसे जो रीड करने का काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, QR कोड रीडर्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, क्लियर। तो वो क्या रीड करता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड। अब QR कोड और बार कोड में क्या फ़र्क है, बार कोड में क्या स्टोर होता है, वैल्यू, प्राइस, और ये जो QR कोड होता है किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का, इसमें क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। एज इन फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई भी शूज़ मार्केट से लिया, ठीक है, आप लोगों ने शूज़ लिया, आप लोगों को उसका बिल मिलेगा, या फिर शूज़ पर ही एक QR कोड भी आता है, इफ़ इट इज़ फ्रॉम अ गुड कंपनी, उसका एक QR कोड होता है, आप उसे स्कैन करेंगे तो शूज़ के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है कि वो कौन सी कंपनी से है, उसका प्रोडक्ट ID क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो किसी भी पर्टिकुलर आइटम प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज इन कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका ID क्या है, वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, QR कोड से मिलती हैं। आप लोगों को आई गेस ये क्लियर हो गया। हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आप लोग इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपको आपकी ID का एक QR मिलता है जो आपकी ID पे सीधा लेके जाता है, राइट। तो ये सब क्या होता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और थिंग जिसके लिए ये होता है। फुल फॉर्म याद रख लेना बस QR कोड का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। डेफिनेटली ये भी आपने अपनी रियल लाइफ में देखा ही होगा, बायोमेट्रिक्स। अब बायो मीन्स लाइफ एंड लाइफ इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, है ना। अब बायोमेट्रिक्स क्या होता है, इस तरीके से आपने डिवाइस देखा होगा जो फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, कई बार फेस ID स्कैन होता है, ऐसा होता है। सो बायोमेट्रिक क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, ठीक है, जो वेरीफाई करता है कि जिस भी पर्सन का ये ID है, जो भी पर्सन ने इसको स्कैन किया है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आप लोग अक्सर अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो, ठीक है, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देने गए हो, अगर आपने कोई बैंकिंग
एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर भी आपका बायोमेट्रिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका थंबप्रिंट लिया जाता है ना, थंबप्रिंट लिया जाता है और उससे ये वेरीफाई किया जाता है कि जिस एक पर्सन ने ये फॉर्म फिल किया है, जिसने अपना थंबप्रिंट हमें पहले दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, ये वही पर्सन है. तो बायोमेट्रिक्स का क्या काम होता है, एक ह्यूमन बींग के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके ये बताना कि ये वही ह्यूमन बींग है जिसके भी बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, या ये वही ह्यूमन बींग है जो ये टास्क करने वाला है, जो ऑथेंटिक है इस टास्क के लिए. क्लियर हो गया. वेरियस कंपनीज में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में बहुत जगह इनका यूज़ किया जाता है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. अब ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस की आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, फेशियल इमेजेस, ठीक है, आईज टेस्ट, इरिस, देन वी हैव वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम. तो बायोमेट्रिक्स ह्यूमन बींग के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है. सबने देखा होगा ये. उसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारे पास माइक्रोफोन. माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, पहले तो आपको ये याद रखना है. अक्सर पूछा जाता है माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस, तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. क्लियर. दूसरी चीज़ इसके बारे में हमें क्या पूछी जाती है, यहाँ पर लिखी है, ये देखिए. अक्सर पूछा जाएगा ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है विच कन्वर्ट्स साउंड इन एयर इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या सिंपली पूछा जाएगा विच कन्वर्ट्स साउंड इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, या साउंड सिग्नल्स इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम कौन सा इनपुट डिवाइस करता है. तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, माइक्रोफोन होगा. क्लियर टू एवरीबडी. नेक्स्ट वी हैव वेबकैम. वेबकैम का मतलब भी सबको पता है, आप सभी स्टूडेंट्स ने इसे कभी ना कभी फेस किया ही है. तो क्या है एक्चुअल में, एक वीडियो कैमरा डिवाइस है ना. क्या है वीडियो कैमरा डिवाइस, जो हम कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो चैटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वही होता है वेबकैम. ठीक है. अभी जैसे हम लोग वर्चुअली बातचीत करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी से मीटिंग करनी है, आप ऑफिस में हैं, आपको मीटिंग करनी है, आपकी जूम क्लासेस होती हैं, है ना, स्काइप पे मीटिंग्स होती हैं, जूम पे मीटिंग्स होती हैं, तो दे आर ऑल थ्रू अ कैमरा, जहाँ पर आप लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, तो वो उसी को हम लोग कहते हैं वेबकैम, जो क्या है, एक इनपुट डिवाइस जो क्या इनपुट करता है, पिक्चर इनपुट करता है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको. सो ये थे कुछ इनपुट डिवाइसेस. यहाँ तक हमें जो करने थे, जो स्कैनिंग डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ लिए, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए, तो इनपुट डिवाइसेस से आपको ये तो क्लियर हो गया कि वो चीज़ें जो डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, वेरियस फॉर्म्स में कर सकती हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो टेक्स्ट हो, इट कैन बी एन इमेज, इट कैन बी अ म्यूज़िक फाइल, इट कैन बी अ पिक्चर, कुछ भी हो सकता है. क्लियर टू एवरीबडी. तो ये थे इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट हमें हार्डवेयर में जो पढ़ना है वो है आउटपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस डेटा इनपुट करने में काम आते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा आउटपुट देते हैं. आपने जो इनपुट दिया, आपका काम करके आपको ऑब्वियसली आउटपुट मिलता है. सिंपल से एग्जांपल, आपने बोला 2+4, आपको कैलकुलेटर आंसर दे देता है 6, तो ये क्या हुआ, आपका आउटपुट हुआ. अब आउटपुट भी जो है वो कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है. डेटा इनपुट करते हो, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वही क्या है, आपका आउटपुट होता है. ठीक है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो हमें आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं वो होते हैं मॉनिटर्स, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर. ये हैं मेजर आउटपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर सिस्टम के, मेजर आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस. क्लियर. सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रिंटर, देन हम आगे पढ़ेंगे ये सब. तो स्टार्ट करेंगे विद प्रिंटर्स और प्रिंटर्स की टाइप्स. अब प्रिंटर्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं. स्कैनर हमने क्या पढ़ा, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसी का कंप्लीट उल्टा काम कौन करता है, प्रिंटर. प्रिंटर का क्या काम होता है, एक सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट करके देना आपको, हार्ड कॉपी में. अगर मैं ये फाइल आपको शेयर करूँ, लेट्स से आज टेलीग्राम पे, ठीक है, ये पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको शेयर करूँ और आपको इसका प्रिंट चाहिए होगा, तो आप लोग किसके थ्रू लेंगे, मैंने तो आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर की, लेकिन आप इसका प्रिंट निकालोगे तो आपको एक पेपर शीट में मिलेगा, हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलेगा, और वो किसके थ्रू मिलेगा, प्रिंटर के थ्रू मिलेगा. यही काम होता है प्रिंटर का. ठीक है, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस विच यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर. ठीक है, और जो प्रिंटेड फॉर्म होता है, जो एज आउटपुट देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है, और जिसे कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रिंटर. नाउ द मेन पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमें पूछे जा सकते हैं. पहला पॉइंट यहाँ है आपके लिए,
स्पीड ऑफ प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर से कहने का मतलब क्या होता है, कितनी ज़्यादा स्पीड से या कितनी कम स्पीड से प्रिंटर जो है किसी भी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कितनी तेज़ी से करता है। ठीक है, तो स्पीड जो है वो प्रिंटर की हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट वर्किंग होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रिंट करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स में प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है PPM में, CPS में और LPM में। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट मतलब एक मिनट में कितने पेजेस वो प्रिंटर प्रिंट कर सकता है, समझ गए। CPS मतलब कैरेक्टर्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैन बी अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंटर प्रिंट कर सकता है, ये भी उसकी स्पीड को मेजर करने का एक तरीका है। और अदर है LPM, LPM का मतलब लाइंस पर मिनट, एक मिनट में वो प्रिंटर कितनी लाइंस को प्रिंट कर सकता है। तो ये हो गया उसका स्पीड मेजर करना कि इन तीन तरीके से हम पेजेस, कैरेक्टर्स और लाइंस के बेसिस पे हम प्रिंटर की स्पीड जो है वो मेजर करते हैं। ये पॉइंट नहीं भूलना है, अक्सर आपको CPS, LPM, PPM की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है प्रिंटर की, क्वालिटी। कि जब आप प्रिंट लेते हो तो अक्सर कई बार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो इमेज वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है अगर आपने कोई फोटो प्रिंट लिया है तो, कई बार उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, तो प्रिंटिंग क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पे, समझ के। प्रिंटर रेजोल्यूशन जिसे हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच में, पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग रट लो पॉइंट, रेजोल्यूशन किस में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच में, क्लियर हो गया। या फिर आप इसे कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, रेजोल्यूशन नहीं तो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग किस में मेजर की जाती है, DPI में। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। ये डॉट्स का मतलब क्या है, पिक्सल्स। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इमेज अपने मोबाइल में खोली और उसे जितना जूम कर सकते हैं उतना जूम कीजिए। जब आप उसे बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे ना तो आपको छोटे 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 डॉट्स उस पर दिखाई देंगे। वो डॉट्स क्या है, यही जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल्स। एक इमेज में जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं, ठीक है, एक प्रिंटिंग इमेज में या कोई भी कुछ भी है, जितने ज़्यादा डॉट्स होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, उतनी ही शार्प वो इमेज होती है। हम बोलते हैं ना इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो किससे होती है, वो किससे होती है, पिक्सल्स के बेसिस पे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स हों, जितने ज़्यादा डॉट्स हों, उतना ही ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन होता है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी होती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी इमेज की क्लैरिटी शार्पनेस होती है। तो क्लियर हो गया, क्वालिटी या फिर पिक्चर का रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, पिक्सल्स पे, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे, जिन्हें हम डॉट्स पर इंच भी कह सकते हैं। यही चीज यहां नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखी हुई है, रेजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, समटाइम्स आइडेंटिफाइड बाय द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज। एक इमेज पे कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं उसी के बेसिस पे उसकी रेजोल्यूशन को हम लोग मेजर करते हैं, कम या ज़्यादा। ज़्यादा पिक्सल्स तो ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन, कम पिक्सल्स तो कम अच्छी रेजोल्यूशन। क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आपको नहीं भूलने हैं, इनके बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पे, तो दो टाइप्स में प्रिंटर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो चलिए जल्दी से समझते हैं क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पहले आता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जिनका पेपर के साथ, कौन सा पेपर, जिस पे प्रिंटिंग करना है उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आकर जो प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं उन प्रिंटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेपर जो उनके उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आकर उसके साथ टच होकर प्रिंट करते हैं। जैसे छापने वाली मशीन होती है ना, ऐसे करके छाप दिया, बिल्कुल वैसे ही जो प्रिंट करते हैं उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, इंक रिबन, ठीक है, इधर क्या यूज़ होता है, एक इंक रिबन का यूज़ होता है और इंक रिबन की हेल्प से पेपर में प्रिंटिंग करने का हेल्प मिलता है। ये स्ट्राइक करता है किस कहाँ पर, पेपर पर, और प्रिंटिंग करता है। क्लियर हो गया, इसी तरह के प्रिंटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। डेफिनेशन रीड कीजिए, print the characters by striking them onto the ribbon which then pressed on the paper,
कैरेक्टर्स को स्ट्राइक किया जाता है इंक रिबन पे, और वो उसे किस पर स्ट्राइक करते हैं, पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आकर। उन्हीं प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स अपनी वर्किंग, यूजेज, स्पीड, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास चार ऑप्शन है और पूछा जाए इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो हियर वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, लाइन, डेजी व्हील, चेन, बैंड, ये सब क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लाइन प्रिंटर्स और फिर आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लाइन प्रिंटर्स वो होते हैं जो लाइन पर मिनट में जिनकी स्पीड होती है LPM में, ठीक है, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। क्लियर हो गया? एक लाइन प्रिंट किया, फिर दूसरा लाइन प्रिंट किया, फिर तीसरा लाइन प्रिंट किया, ऐसे प्रिंट करते हैं। और सेकंड कैटेगरी जैसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब वन बाय वन, जैसे अल्फाबेट है या नंबर है या सिंबल है कुछ भी, ये कैरेक्टर्स में इनकी स्पीड मेजर की जाती है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। क्लियर हो गया? लाइन प्रिंटर्स की एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें हमारे पास चेन प्रिंटर आता है, इधर हमारे पास ड्रम प्रिंटर आता है, ठीक है। और अगर हम कैरेक्टर प्रिंटर्स की बात करें तो वहां पर देखिए डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स जो हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं, मतलब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं और ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि चेन प्रिंटर या डम प्रिंटर लाइन प्रिंटर्स हैं, तो बिल्कुल है। और कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब हम इनकी टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डॉट मैट्रिक्स। अब इसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स। तो ये कैसे प्रिंट करता है? डॉट्स की फॉर्म में। दिस इज़ द इमेज ऑफ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे आप लोग बिजली के ऑफिस जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप लोग का बिल आता है, एक है ना, बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें जो टाइप्ड होता है वो नॉर्मल टाइपिंग नहीं होती, जैसे ये वाले आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो वैसे नहीं होते, जैसे डॉट्स डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से टाइपिंग होती है। तो वहाँ पर जो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं वो कौन से प्रिंटर्स हो सकते हैं? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हो सकते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन, आप लोगों की टिकट्स होती हैं, वहाँ पर भी जो कैरेक्टर्स टाइप्ड होते हैं वो ऐसे डॉटेड फॉर्म में लिखे होते हैं, तो वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की हेल्प से होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं? इनमें कुछ पिन्स होती हैं, देर आर 9 to 24 पिन्स जो पैटर्न्स बनाती हैं। ठीक है, 9 से लेकर 24 तक पिन्स होती हैं जो कैरेक्टर सिम्बल्स का पैटर्न बनाती हैं, और इस तरीके से इनके बेसिस पे प्रिंटिंग हो जाती है। इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ठीक है, डॉट्स की फॉर्म में प्रिंटिंग जहाँ की जाती है। मेजर पॉइंट जो याद रखना है, इनकी स्पीड, जैसे मैंने बताया डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है, तो इसकी स्पीड हम किस में मेजर करेंगे? CPS में। ठीक है, और इनकी स्पीड कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉइसी होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करने वाले होते हैं ये प्रिंटर्स। तो ये इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड की रेंज है वो है इतनी, मतलब एक सेकेंड में ये 40 से लेके 600 तक के प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीबडी? नेक्स्ट पे आते हैं डेजी व्हील। अब इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो शेप है वो डेजी फ्लावर की तरह है। डेजी फ्लावर आप सबने देखा होगा, इस तरीके से इसका शेप है। ठीक है, ये जो आपको पिंस दिख रही हैं, इन पिंस में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स, जैसे जो भी नंबर्स हैं या जो भी अल्फाबेट्स हैं या जो भी सिम्बल्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट होते हैं। इस ये जो पिन्स आपको दिख रहे हैं इनके हेड्स पे, इन्हें हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक फ्लावर शेप है तो इसे हम लोग पैटर्न भी बोलते हैं। अब ये प्रिंटिंग कैसे करता है? ये जो पिन्स आपको दिख रहे हैं, पेटल्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे, और इंक रिबन स्ट्राइक करता है, मतलब एकदम से स्ट्राइक करता है किस पे? प्रिंटिंग पेपर पे, और उसी हिसाब से क्या होती है? प्रिंटिंग होती है। क्लियर टू एवरीबडी? हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल कंटेनिंग अ कैरेक्टर अगेंस्ट द रिबन एंड द कैरेक्टर प्रिंट्स ऑन द पेपर। यहाँ पर एक हैमर का यूज़ होता है, जो ये जो प्रिंटिंग हेड्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं, जो स्ट्राइक उसको रिबन पे करता है और हमको प्रिंटिंग मिलती है। इस तरीके से ये प्रिंटिंग करता है, और ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं करता, ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब एक एक लेटर या एक एक नंबर ऐसे ऐसे करके प्रिंट करता है। इसकी स्पीड एक बार देख लेते हैं, स्पीड रेंज क्या है? 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, मतलब डॉट मैट्रिक्स से भी कम है इसकी स्पीड।
क्लियर हो गया सबको, ये हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स। आगे हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर में मैंने आपको बताया चेन प्रिंटर, डम प्रिंटर, ये सारे लाइन प्रिंटर्स हैं। तो एक इस तरीके से आपको देखा होगा कभी, ये भी लाइन प्रिंटर्स ही होते हैं। क्या करते हैं, एट वंस एक पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। इसके स्पीड के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी स्पीड जो है वो नॉर्मली 300 टू 3000 लाइंस पर सेकंड पर मिनट ये प्रिंट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द स्पीड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय व्हाट। स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द पेपर्स। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डेफिनेशन। आपको हमेशा पूरी डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना होता है, आपको फोकस करना होता है उस पॉइंट पे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं वहीं पे हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। सो ये होते हैं लाइन प्रिंटर्स। अब लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में मैंने आपको बताया ड्रम प्रिंटर्स हैं हमारे पास चेन प्रिंटर्स है। तो लेट अस अंडरस्टैंड ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है और ये कहाँ यूज़ होता है, चेन प्रिंटर्स कहाँ यूज़ होते हैं। तो ड्रम प्रिंटर्स, अब ड्रम प्रिंटर्स का बेसिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बल्क में प्रिंटिंग करनी होती है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। ठीक है, जहाँ पर बल्क में प्रिंटिंग करनी होती है, लगातार प्रिंटिंग करनी होती है, वहाँ पर हम लोग ड्रम प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। अब इनका नाम ड्रम प्रिंटर क्यों रखा गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आपको शायद दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर, और यहाँ पर एक डायग्राम टाइप ऑफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ये ड्रम यूज़ हुआ है। इस ड्रम पे क्या होता है, इस ड्रम पे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं और ये ड्रम रोल करता जाता है और कैरेक्टर्स को यहाँ पर पेपर पे प्रिंट करता जाता है इंक रिबन की हेल्प से। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। और मेजरली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर बल्क में हमें प्रिंटिंग करना होता है। अगर इसकी स्पीड आपको पूछी जाए तो स्पीड इज़ अराउंड 300 टू 2000 लाइंस पर मिनट। ठीक है, ये एक लाइन प्रिंटर है, तो दिस इज़ द स्पीड ऑफ अ ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारे पास चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर को हम चेन प्रिंटर क्यों बोलते हैं, अब ड्रम प्रिंटर में तो एक ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं जो रोल करता है और प्रिंट करता है, इसलिए हमने उसको ड्रम प्रिंटर बोल दिया। अब चेन प्रिंटर्स में क्या होता है, चेन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ये चेन दिख रहा है आपको, अब ये जो चेन है इस पर कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंटेड होते हैं। अब ये चेन प्रिंटर्स पे चेन की फॉर्म में होते हैं और ये क्या होता है, अगेन ये कैरेक्टर्स जो हैं जिस तरह के से भी आपको प्रिंटिंग करनी है, ये कैरेक्टर्स इंक रिबन पे स्ट्राइक होकर पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं। एक चेन ऑफ कैरेक्टर्स यूज होता है, जैसे ये देखिए ये चेन है ना, इस पे सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द यूजेज प्रिंटिंग करते हैं। तो ये रोल करता है इस तरीके से, ये मोशन में काम करता है। क्लियर हो गया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं चेन प्रिंटर्स। इसका स्पीड यहाँ पर छिप गया है, मैं आपको बता देती हूँ, 400 टू 4000 LPM इज द स्पीड ऑफ अ चेन प्रिंटर। क्लियर हो गया। तो ये है क्या, सबके सब इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये सबके सब क्या हैं, वो प्रिंटर्स जो पेपर के कॉन्टैक्ट में आके प्रिंटिंग करते हैं। अब इसी तरीके से एक और टाइप होती है प्रिंटर्स की, जस्ट अ सेकेंड, जिन्हें हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स का टोटल अपोजिट आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स पेपर के कॉन्टैक्ट में आकर प्रिंटिंग करते थे, अब जो पेपर के कॉन्टैक्ट में नहीं आकर प्रिंटिंग करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो पेपर के साथ, प्रिंटिंग पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते वो नॉन इम्पैक्ट हैं, जो आते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ठीक है, तो यहीं से हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन एज दे आर फास्टर एंड क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना अगर हम लोग, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करने वाले, ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब एज़ कंपेरेटिवली हम देखें कि अभी जो हमें प्रिंटिंग चाहिए, आज के टाइम पे जो हमें प्रिंटिंग चाहिए, दे आर स्लो। ठीक है, अभी आप नॉर्मली अपने होम में प्रिंटिंग करते हैं, अपने शॉप पे जाके प्रिंटिंग करते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाता है प्रिंट आउट, राइट। लेकिन वो कंपेरेटिवली स्लो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। ठीक है, तो क्वाइटर होते हैं, फास्टर होते हैं, किसी भी तरह का कैरेक्टर्स इमेज विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू द प्रिंटिंग पेपर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इनकी एग्जांपल्स में हमको पढ़ना है इंकजेट और लेजर प्रिंटर। देयर इज वन मोर टाइप, यहाँ लिखा नहीं है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तीन होते हैं, इंकजेट,
लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर्स। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में एक बार कि क्या क्या होते हैं इंकजेट एंड लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंकजेट प्रिंटर्स। ये होता है इंकजेट प्रिंटर्स। आपने अपने घर पर प्रिंटर रखा होगा जहाँ पर आप इजीली इमेज कलर्ड इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं, कलर्ड कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी कैफ़े में जाते हैं, वो आपको पिक्चर्स प्रिंट करके देते हैं, कलरफुल पिक्चर्स मिलती हैं। तो वो प्रिंटर्स जो आज के टाइम पर हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल प्रिंटिंग पर्पजेज के लिए, वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं? वो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। इनको हम लोग इंकजेट प्रिंटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैसे काम करते हैं, डॉट्स आर फॉर्म बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रिंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। एक्चुअल में क्या करते हैं, ये इंक को स्प्रे करते हैं, ठीक है, इनको स्प्रे करते हैं पेपर पे, क्रिएटिंग स्मॉल डॉट्स पैटर्न, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है उसी का अपग्रेडेड वर्जन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। जो डॉट्स को प्रिंट करता है, डॉट्स की फॉर्म में करता है, इट कैन बी कलरफुल ऑल्सो, ये कलरफुल हो सकता है, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करता है, इनको स्प्रे करता है पेपर पे, इंक के साथ, इंक रिबन जो है वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता, ठीक है, देर इज़ नो यूज़ ऑफ इंक रिबन हियर, वो कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जेट होती है, मतलब स्प्रे होता है पेपर पे, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसे इंक जेट प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि ये इंक ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है किस पर, पेपर पर, जो ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो प्रिंटिंग में हमें हेल्प करते हैं, क्लियर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है, इसकी स्पीड। ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है और इसकी स्पीड क्या है, 400 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, ठीक है। एंड ये मल्टी कलर्ड प्रिंटआउट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये तो हो गया इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट, इनके बेसिस पे आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है, लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर किस में मेजर की जाती है, कैरेक्टर्स में, पीपीएम में या एलपीएम में, इस तरीके से स्पीड ऑफ इंकजेट प्रिंटर किस में मेजर की जाती है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर इनकी जो डे टू डे लाइफ में जो इनका एक्चुअल यूज़ है उसके बेसिस पे कि थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर कहाँ यूज़ होता है, ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेज़र प्रिंटर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लेज़र प्रिंटर। ये एक लेज़र प्रिंटर है, आप लोगों ने देखा भी हो सकता है। अब लेज़र प्रिंटर जो है ये एक पेज प्रिंटर है, ठीक है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसे हम लोग पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है पेज प्रिंटर कौन सा है, लेज़र प्रिंटर। क्यों? क्योंकि ये पेज बाय पेज प्रिंटर करता है। अगर पूछा जाए फास्टेस्ट प्रिंटर आज के टाइम पे कौन सा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा फास्ट है, वो लेज़र प्रिंटर ही है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा, ये ना तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ना ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डेटा प्रिंट हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर कहते हैं। अब ये एक कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, एक्चुअल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, लेज़र लाइट्स का यूज़ करता है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लाइट, लेज़र लाइट का यूज़ करता है, इसीलिए हम इसे लेज़र प्रिंटर कहते हैं। दे यूज़ लेज़र लाइट्स टू प्रोड्यूस डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर। पिक्सल को क्रिएट करने के लिए ये लेज़र लाइट्स का यूज़ करता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ड्रम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा होगा, देर इज़ अ ड्रम यूज, एक लाइट या फोटो सेंसिटिव ड्रम यूज़ होता है, यहाँ लिखा है सरफेस ऑफ लाइट और फोटो सेंसिटिव ड्रम का यूज़ होता है, जिसमें से लेज़र बीम पास की जाती है और वो हेल्प करता है पेपर में प्रिंट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम इसे लेज़र प्रिंटर कहते हैं। सो पूछा जाए फास्टेस्ट प्रिंटर आज के टाइम पे कौन सा है, तो वो लेज़र प्रिंटर है। क्यों? क्योंकि वो पेज बाय पेज प्रिंटिंग करता है, इसे हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। दिस इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस लेज़र प्रिंटर। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रिंटर की टाइप पे आते हैं, दैट इज़ थर्मल प्रिंटर। पहले हम इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका यूज़ सीखेंगे, कहाँ हमने देखा है थर्मल प्रिंटर। ये इमेजेस प्रोड्यूस करता है बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिन्स अगेंस्ट स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर नोन एज थर्मल प्रिंटर। अब अगर पूछूँ कि थर्मल का मतलब क्या है, थर्मल इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू हीट, राइट। तो ये प्रिंटर जो है ये हीट का यूज़ करके प्रिंटिंग में हेल्प करता है,
ठीक है, ये प्रिंटिंग में हेल्प करता है। किसका यूज़ करके? हीट का यूज़ करके। एक्चुअली जो थर्मल प्रिंटर में पेपर यूज़ होता है वो एक नॉर्मल पेपर नहीं होता, दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर जिसे हम हीट सेंसिटिव पेपर बोलते हैं। जब भी उस सेंसिटिव पेपर में हीट सेंसिटिव पेपर में से हीट पास की जाती है तो वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग उस हीट सेंसिटिव प्रिंट में, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोटिंग होती है उस पेज पर। जब भी उसमें से हीट पास की जाती है, जिस भी कैरेक्टर में से हीट पास की जाती है, वो डार्क हो जाता है। ठीक है, और वही हमें हेल्प करता है प्रिंट करने में। दिस इज़ द एक्चुअल फिनोमिनन। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हमें पता चल गया हीट का यूज़ करके प्रिंटिंग की जाती है इसलिए हम उसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। हमने ये देखा कहाँ है? आप लोग अक्सर जब हम लोग ने देखा है कि ये जो पेपर पे या फिर आपकी कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उस पर QR कोड प्रिंट होता है। ठीक है, आप लोग TV ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, प्रिंटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारा, जैसे आपने सैमसंग का TV लिया तो उसके ऊपर भी सैमसंग लिखा होता है ना, प्रिंट होता है उसके ऊपर। आपने मोबाइल फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन के पीछे मोबाइल फ़ोन का नाम प्रिंट होता है ना, होता है, मोबाइल फ़ोन का नाम प्रिंट होता है। अब वो सब किसकी मदद से होता है? वो थर्मल प्रिंटर की मदद से होता है। आप अक्सर जब बिलिंग के लिए जाते हो, ठीक है, जब आप बिलिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिग बाज़ार से शॉपिंग कर रहे हो तो बिग बाज़ार का जब आप बिल लेते हो तो उसका लेबल ऊपर होता है, तो वो सारी प्रिंटिंग किसकी हेल्प से होती है? वो थर्मल प्रिंटर की हेल्प से होती है, जहाँ पर लेबल्स, बिल्स, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे बिलिंग होती है, जो आपके QR कोड्स प्रिंटेड होते हैं, आपके बार कोड्स प्रिंटेड होते हैं, ये सब किसकी हेल्प से होते हैं? ये थर्मल प्रिंटिंग के हेल्प से होते हैं। ठीक है, तो ये एरियाज हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द मेजर यूज़ ऑफ थर्मल प्रिंटर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीबडी। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ और आउटपुट डिवाइसेज भी रह गए, जैसे मोनीटर, राइट, प्लॉटर, स्पीकर, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। मेजरली हमको मॉनिटर के बारे में पढ़ना है ज़्यादा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हमने आज पढ़ा है वो अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।